हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर चैनल। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए नीट बायोलॉजी के लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो नीट बायोलॉजी के लेक्चर्स की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले या पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग नीट 2019 को टारगेट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा टफ है एग्ज़ाम, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा खासा टफ है। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट इसमें देना होगा, ठीक है। जो लोग ट्वेल्थ ड्रॉप कर चुके हैं और सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो देखते रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें, कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो देखते रहिए, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे भी। और जो लोग ट्वेल्थ में हैं उनके लिए ट्वेल्थ के लेक्चर्स आप लोग देखते ही हैं, उसके अलावा आप लोग ये लेक्चर्स भी देखते चलें ताकि आपको और डीप नॉलेज बनते चले जाए, ताकि आप ट्वेल्थ के साथ अगर एग्जाम देते हैं या ड्रॉप लेके एग्जाम देते हैं तो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहली बात तो नीट का एक हवा बनाया हुआ है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स की मैं बात नहीं करूँगा, केमिस्ट्री फिजिक्स आप किसी और अच्छे टीचर से बात करें, क्योंकि आई डोंट टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, तो मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूँगा बायोलॉजी की। दोस्तों नीट का एक हवा बनाया हुआ है हमने, ठीक है, कि यार बहुत टफ है इस तरीके से, मतलब टफ है नो डाउट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा यार, ठीक है। और एक और मिथ और है कि बहुत ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो वही आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब मैं आपकी उम्र का था तब मुझे भी समझ में नहीं आती थी चीज़ें, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा जैसे एक्सपीरियंस है या थोड़ा सा मैंने देखा चीज़ों को, रियलाइज़ किया, तब मुझे समझ में आया इतना कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, 11th और 12th का NCERT आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, बायोलॉजी का, उसके बाद ये लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इन लेक्चर्स को देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक्स पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो NCERT कैसे बुक है दोस्तों, कि जिसको आप जितने बार पढ़ेंगे ना उतने बार कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक बार 11th और एक बार 12th का NCERT आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, 15-20 दिन या एक महीने का टाइम निकाल के, ठीक है, उसको फिनिश कीजिए। उसके बाद आप इनको देखना कंटिन्यू कीजिए। और इसको देखना कैसा है, पहले आप वीडियो देखेंगे, उसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। खैर मैं नोट्स अपलोड भी करूंगा सेपरेट अपने बायोलॉजी बूस्टर फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको या देता हूं हर वीडियो में, तो वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं। लेकिन वो जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तब मैं अपलोड करता हूं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करें आज, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बिल्कुल बेसिक तो होगा नहीं, तो कम से कम इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है, 10 लेक्चर 15 लेक्चर बन गए, ठीक है। तो इतने सारे लेक्चर जब कंप्लीट होंगे तब मैं आपको नोट्स अपलोड करूंगा पूरा टॉपिक फिनिश होने के बाद, ठीक है। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, और ये भी अच्छा तरीका है, इसमें और बल्कि आपके अच्छे लेवल की तैयारी होगी, ठीक है। आप रोज वीडियो देखें, उसके नोट्स बनाते चलें साथ साथ, और उसको ढंग से पढ़ें, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं, बाकी और आप अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे और ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो सबसे पहले NCERT क्लियर कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेरी कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, देखिए हाँ, एक पैटर्न होता है हमारा NCERT का, कि हमें इस तरीके से फॉलो करनी है चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमने 12th के वीडियोस में हम फॉलो भी करते हैं, या अभी 11th के स्टार्ट करूंगा उसमें फॉलो करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग NCERT का पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीट का पैटर्न फॉलो करेंगे। कौन से टॉपिक ज़्यादा मायने रखते हैं, कौन से टॉपिक से शुरुआत की जाए कि आसानी से आपको समझ में आता चले जाए। अभी स्टार्टिंग में अगर मैं जेनेटिक्स ले लेता तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, अगर मान लीजिए बॉटनी वाला पोर्शन ले लेता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, इसलिए पहले मैंने मेरे हिसाब से फिजियोलॉजी वाला सेक्शन चूज किया है, कि आपको थोड़ा सिंपल लगे और ये आपको आसानी से समझ में आते चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मुझ पे पूरा विश्वास रखें, NCERT को यहाँ पे मतलब उसका सीक्वेंस ना फॉलो करें, NCERT को तो फॉलो करना ही है, उसके सीक्वेंस पे ना जाए, मेरे सीक्वेंस पे जाए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया आपको, ठीक है, तो NCERT आप पढ़ चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि NCERT आपको आता है बेसिक बिल्कुल, ठीक है, सिंपल आपने एक बार तो कम से कम पढ़ाई है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको बेसिक लेवल पे पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है, एक दो वीडियो में या 2-3-4 वीडियो जितने मुझे लगते हैं, टॉपिक के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले मैं एक बार बेसिक लेवल पे इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि यार ये है क्या, ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कुछ नया है इसमें, ठीक है। तो पहले एक बार बेसिक लेवल पे मैं इसको पढ़ा के, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा,
इसी टॉपिक को मैं नीट और एम्स के लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, उसके बाद नीट एम्स के लेवल को टच करेंगे इसी टॉपिक को लेकर या कोई भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फेज में मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा यहीं पे, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज की बात करूं तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं दोस्तों, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मतलब 50-100 जितने मतलब हम कर सकते हैं टॉपिक के मैक्सिमम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो करूंगा, इतने ही करेंगे, ठीक है। मतलब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो 1000 एमसीक्यूज बना लेंगे, इतने नहीं बनाने, आप 50-100 ऐसे हर टॉपिक के बनाते चलें। उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए और आपके पास टाइम बच जाए कि यार अब मेरे पास टाइम है पूरा, ठीक है, तो उसके बाद आप डिटेल में कितने भी एमसीक्यूज बना सकते हैं, ठीक है। पर शुरू में अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज बनाते रह गए तो फिर दूसरे टॉपिक आपके नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए याद रखें टॉपिक अच्छे से करें, उसके बाद एमसीक्यूज बनाएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो 50-100 टारगेट रखें, इतना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक पे फिर यही प्रोसीजर, फिर थर्ड टॉपिक पे फिर यही प्रोसीजर, इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस आता चले जाएगा, ठीक है। जब तक आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ ना लिया हो, अच्छे से आपको याद ना हो, ठीक है, तब तक अगला वीडियो ना देखें, ठीक है, ये याद रखिएगा।